हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। अभी सुबह शायद 10:30-11 बज रहा होगा। चाय वाय पी के, नहा के, पूजा करके, फ्रेश होके आराम से बैठी थी, सुकून के सांसें ले रही थी कि आज मुझे खाना बनाना नहीं है, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाना बनाने का। तो मैं कल रात को ही सोते टाइम सौरभ को बोल के सोई थी कि कल ना मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी, क्योंकि इस वीकेंड में मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिली थी। दो वीकेंड में दोनों दिन ही मैंने खाना बनाया था, तो मैंने सोचा कि इस वीक में एक दिन मैं ऑफ लूंगी। तो आज मैंने सोचा था कि आज का दिन मैं ऑफ लूंगी, तो इसलिए आज खाना बनाने का कुछ मन नहीं था। रात से मैंने माइंड सेट करके रखी थी कि सुबह उठेंगे लेट और उसके बाद खाना नहीं बनाएंगे, या तो ऑर्डर कर लेंगे या तो फिर नूडल्स बना के खा लेंगे, मैगी वगैरह। फिर मुझे पूजा करते टाइम याद आया कि आज है ट्यूजडे, क्योंकि सौरभ ट्यूजडे को लड्डू लाता है मार्केट से बजरंगबली के लिए। तो पूजा करते टाइम मुझे याद आया और उसके बाद तो गॉड, और तो आज तो रेस्ट डे नहीं होगा क्योंकि खाना बनाना ही पड़ेगा। मैगी खा नहीं सकते क्योंकि मैगी में मैंने सुना था कि गार्लिक पाउडर होती है, उसमें ऑनियन पाउडर भी होती है। तो जैसे हम लोग वेज खाते हैं ट्यूजडे को, तो उस दिन हम लोग गार्लिक और ऑनियन भी अवॉइड करते हैं खाना, नॉनवेज तो छोड़ ही देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन था कि बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, लेकिन उसमें भी वही श्योरिटी नहीं है ना। अगर प्योर वेज रेस्टोरेंट से भी हम लोग ऑर्डर करते हैं, लेकिन प्योर वेज में वो लोग लहसुन और प्याज तो डालते ही है, क्योंकि लहसुन प्याज को नॉन बंगाली लोग जो होते हैं वो लोग वेज में नहीं, नॉन वेज में नहीं मानते, वो उन लोगों के लिए वेज होता है। तो वो ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो गया। तो उसके बाद और क्या करूँ, खाना ही बनाना है। तो फिर सौरभ के सामने मैं कुछ देर तक बैठे ऐसे मुंह लटका के बैठी रही। तो फिर उसने बोला, तुम क्या चाहते हो कि मैं बना दूँ खाना? तो मैंने बोला, नहीं, तुमको किचन में जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा एक्स्ट्रा काम बढ़ा दोगे, किचन पूरा गंदा कर देता है वो, आप लोगों को पता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही कुछ बना लेती हूँ हल्का फुल्का सा। तो सौरभ ने फिर आइडिया दिया, फिर तुम वो बना लो ना, तुम्हारा फेवरेट खिचड़ी और जो कुछ भी तुम बनाते हो उसके साथ पापड़ वापड़ फ्राई कर लो। पापड़ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि आज से थोड़ा सा अपने डेली डाइट पे ध्यान देंगे और उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट भी करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला पापड़ तो फ्राई नहीं होगा, तो कुछ और अगर तुमको जरूरत पड़े तो वो बता सकते हो। तो फिर सौरभ ने बोला, फिर दम आलू बना लो, शॉर्टकट में हो जाएगा, क्योंकि फिर ना वो सब्जी वगैरह तो वैसे बहुत सारे हैं फ्रिज में, लेकिन उसको बनाने में फिर टाइम लगेगा। गोभी है, मटर है और फूल गोभी भी है और गाजर है, क्या शिमला मिर्च है, बैंगन है, साग है, पालक का साग वीकेंड पे लाए थे ना, सब कुछ तो बहुत कुछ है, लेकिन वो सब बनाने में ना टाइम लगेगा। अभी चॉपिंग वगैरह कुछ भी मैंने रात को करके नहीं रखा था और आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो दम आलू फटाफट बन जाएगा, तो ऑब्वियसली हेल्दी तो नहीं होगा। खिचड़ी मैं बनाऊंगी, दलिया की खिचड़ी मैं बनाऊंगी। सौरभ अभी ना धीरे धीरे दलिया खाना पसंद कर रहा है, जैसे आप लोग लास्ट कुछ ब्लॉग से आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि सौरभ अभी दलिया का खिचड़ी काफी पसंद करता है। तो जब भी हम लोग खिचड़ी बनाते हैं ना, तो सौरभ बोलता है कि दलिया का ही बना लो, तुम्हारा फेवरेट। तो मैं उसको बोलती हूँ, मेरा फेवरेट है, तुम्हारा फेवरेट है कि नहीं ये बताओ, अगर तुम खाना चाहोगे तब भी बनाऊंगी। तो सौरभ अभी थोड़ा थोड़ा करके दलिया का खिचड़ी खाना पसंद कर रहा है, तो दिस इज गुड फॉर मी। तो आज का बस वही मेनू है, मैं अभी जाऊंगी किचन में। यहाँ पे हो रहा है आलू फ्राई, दम आलू बनाने के लिए नमक और हल्दी डाल के बॉयल आलू को फ्राई कर रही हूँ। आलू को ना प्रेशर कुकर में एक सीटी मैंने दे लिया था ताकि आलू अच्छे से बॉईल हो जाए। अब इसको नमक और हल्दी से फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्राई करके ऑलरेडी रख दिया है और यहाँ पे बाकी का फ्राई हो रहा है। एक कढ़ाई में आलू फ्राई होने के बाद जो बाकी का तेल था ना, उसी में डाल दूंगी तेज पत्ता और उसके साथ जो हरी मिर्ची काट के रखी थी वो भी डाल दूंगी, और साथ में डाल दूंगी थोड़ी सी टमाटर। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद इसमें डालना है हरी मटर, बहुत ज़्यादा मटर नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी, इतना सा काफ़ी है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर इसमें डाल देना है जिंजर पेस्ट। थोड़ा सा और इसको गैस का फ्लेम लो करके चलाना है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल दूंगी मसाले। मसाले में डालूंगी हल्दी, इसके साथ थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ख़त्म होने को है, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर,
इसको चलाना है और मसाला जले ना, इसलिए इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी पानी। पानी डाल के इसको अच्छे से पकाना है, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक इसे पकाना है। मसाले से अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, अभी डाल दूंगी फ्राई किया हुआ आलू। मैं ना और नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि नमक ऑलरेडी फ्राई करने के टाइम पे डाला था ना, तो उसी से हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो ना नमक बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें। तो इसको अब थोड़ी देर चला लूँगी, थोड़ा सा मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी सी पानी डालूंगी। इस कटोरी में थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ऑयल भी है ना, आलू के साथ ऑयल भी आ गया था, तो इसी में थोड़ी सी पानी डाल के मैं इसमें बना दूंगी, जिससे हल्की सी ग्रेवी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी तो अच्छा नहीं लगेगा खिचड़ी के साथ, बहुत ही थोड़ा सा ग्रेवी इसमें रखना है। अब इसे मिला के पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए, तो ये बन जाएगा। और इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी थोड़ी सी गरम मसाला भी, गरम मसाला भी एक साथ बॉईल हो जाए तो फिर फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आप अगर चाहो तो थोड़ी सी घी भी डाल सकते हो, क्योंकि ये वेज में है ना, तो घी और गरम मसाला का कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं घी नहीं डाल रही हूँ, मैं घी खिचड़ी में डालूंगी, तो इसमें मैंने सिर्फ गरम मसाला ही डाला है। दूंगी फाइनल टच, जो कि है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये बन गया है हमारा दम आलू, दम आलू इज रेडी टू सर्व। आज ना तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि कल रात को अच्छे से नींद नहीं हुई थी। दीदी आज आ गई थी सुबह बहुत जल्दी, और दीदी आ जाती है तो हमारी नींद खुल जाती है, तो दीदी जल्दी आ गई थी और उस वजह से फिर क्या हुआ ना, वैसे तो दीदी आके अपना काम कर लेती है और जाते टाइम सिर्फ हमें एक बार आवाज़ दे देती है कि दीदी दरवाज़ा बंद कर दो, तो हम लोग उठ के सिर्फ दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन आज पता नहीं दीदी को क्या हो गया था, दीदी इतना ज़ोर ज़ोर से बर्तन में आवाज़ करके बर्तन धो रही थी ना, कि उस वजह से हमारा नींद खुल गया और नींद ही नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय बनाया, चाय वाय पीने के बाद ऑब्वियसली और किसको नींद आता है ना, फिर नींद टूट गया हमारा और सिर्फ फिर पूरा दिन नींद नहीं हुआ। बिग बॉस खत्म हो गया, सो सैड, बिग बॉस खत्म हो गया, अभी मैं क्या देखूंगी। वो मेरा फेवरेट सीरियल हुआ करता था, जो कि मैं देखती थी डेली बेसिस पे, जो कि लंबा चौड़ा उसका मतलब ड्यूरेशन अच्छी खासी होती थी ना, तो टीवी पे मेरा रिचार्ज करके टीवी पड़ा होता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ ना, मोबाइल पे चला देती हूँ बिग बॉस, और मोबाइल रख देती हूँ किचन में और बिग बॉस अपना चलता है, और मैं अपना चॉपिंग वगैरह करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बिग बॉस चलता है। मतलब मैं देखती नहीं हूँ, बस सुनती हूँ, लेकिन वो सुनने का आदत मेरा टीवी से चला गया है। मुझे पसंद आता है कि मोबाइल से जब चलता है ना, मुझे वो साउंड बहुत मीठी लगती है, पता नहीं क्यों, अजीब ही है ये। अब बनाऊंगी खिचड़ी, कढ़ाई में जो तेल था उसी में डाल दूंगी तेज पत्ता, उसी के साथ डाल दूंगी थोड़ी सी जीरा। जीरा जैसे थोड़ा चटक जाए उसके बाद इसमें डाल दूंगी गोभी और गाजर। अब इसको चला लेना है 5 से 7 मिनट के लिए, गोभी और गाजर थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना, उसके बाद फिर इसमें डालूंगी अदरक पेस्ट, नमक और बाकी के सारे मसाले जो है, हल्दी वगैरह। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, सिर्फ हल्दी ही डालूंगी, तो हल्दी इसी टाइम पे ही डाल देती हूँ, एक ही साथ हो जाएगा। हल्दी एक ही बार में मैं ज़्यादा डाल दूंगी, ताकि खिचड़ी में मुझे अलग से और डालना ना पड़े, तो इतना हल्दी काफ़ी है। अब हल्दी डाल के फ्राई करते हैं ना, तो ये जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसलिए मैं हल्दी हमेशा पहले ही डाल देती हूँ। ये देखिए गोभी डालते, हल्दी डालते ही गोभी धीरे धीरे फ्राई होने लगा है, कलर भी इसमें आने लगी है,
तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाएगा। और डाल दूंगी थोड़ी सी नमक, एक बार चला देती हूँ, और उसके बाद डाल दूंगी इसमें मटर। थोड़ा सा और टमाटर भी डाल देती हूँ इसी टाइम पे। टमाटर थोड़ा गल जाए उसके बाद डाल दूंगी अदरक पेस्ट। सारी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसमें डाल दूंगी अदरक पेस्ट। एक चम्मच के आसपास इसमें अदरक पेस्ट डालना है, और अदरक पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट के लिए और चलाना है, फिर डाल देना है प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में ना मैं ऑलरेडी दलिया और दाल को जो सोख करके रखा था उसे मैंने डाल दिया है थोड़ी सी पानी में। तो इसी पानी में मैं ये डायरेक्ट मसाले और सब्जी को इसी में डाल दूंगी। 2 सीटी वैसे आ जाएगा, उसके बाद प्रेशर कुकर का पूरा प्रेशर निकलने के बाद इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच घी। घी डाल के इसको अच्छे से एक बार मिला लूंगी, फिर सर्व कर लूंगी। हम लोग थोड़ी सी लंच करने के बाद हल्की सी एक नैप भी ले लिया है। सौरभ तो अभी चला गया है ऑफिस। सौरभ को मैंने बना के दिया है रोटी, और उसके साथ दम आलू तो दोपहर का था ही। और मेरा अभी सोच रही हूँ कि क्या खाऊँ रात को। एक बार तो सोच रही हूँ कि मुरमुरा खा के सो जाऊँगी रात को, और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खाऊँगी नहीं, या तो फिर दूध पी के सो जाऊँगी। फिर वही ना, पापी पेट मानता नहीं है, रात को मुझे फिर भूख लग जाती है कि मैं रात जाग के फिर एडिटिंग का काम वगैरह करूँगी, तो उस टाइम पर ना फिर मुझे भूख लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा तो कुछ खाना ही पड़ेगा, जैसे रोटी हो गया, या तो फिर कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो ये रीज़न है। अभी आज से हम लोग सोचे थे वॉक पर भी चलेंगे शाम को, लेकिन वो भी नहीं हुआ क्योंकि दोपहर को सो गए। उसके बाद शाम को उठने के बाद देखा कि अंधेरा हो गया है बाहर, तो और जाना नहीं हुआ। घर पे पूजा वूजा करके बस मैं सोच ही रही थी कि क्या करूँ। अभी ना करने के लिए कुछ नहीं है, देखिए मैं चुपचाप बैठी हूँ, करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि बिग बॉस खत्म हो गया है 21 तारीख को। अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या देखूँ, देखते कुछ मूवी वूवी चला लूंगी, फिर अपना किचन में खुद काम करूंगी कुछ ना कुछ। इस टाइम पर ना सोना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे दोपहर को मैंने एक नैप ले ली है ना, मेरा आँख से पता चल रहा है। तो अभी अगर सोचूंगी कि ऐसे लेटी रहूंगी बेड पर, तो वो भी नहीं होगा, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता है ये शाम के टाइम पे सो जाना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल के लिए चॉपिंग वगैरह वो सब कुछ मैं करके रखूँगी, और साथ में कुछ मूवी भी ऑन कर दूंगी। तो आज तो और हुआ नहीं वॉक पे जाना, तो रात को मैं आज सोच रही हूँ कि कुछ भी नहीं बनाऊँगी रात को। आज डिनर करने ही नहीं वाली हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। सौरभ को तो मैंने जैसे बताया कि रोटी और दम आलू दे दिया है, मैं सोच रही हूँ कि रात को सैलड बना लूँगी। सैलड बना के आज रात को खा लूँगी, रात का हो जाएगा गुजारा। फिर रात को एडिटिंग वगैरह बहुत जल्दी ख़त्म करके मैं एक लंबी नींद ले लूँगी सुबह तक। बिल्कुल दीदी जब तक नहीं आएगी हम लोग उठेंगे नहीं, और दीदी को फ़ोन करके मैं भी बता दूँगी कि कल प्लीज़ जल्दी मत आना, कल 11 बजे के बाद ही आना, हमें सोना है। तो उस हिसाब से फिर कल हम दोनों बहुत ही फ्रेश लगेंगे, मतलब बेसिकली मैं। सौरभ को तो आप लोग डेली देख नहीं पाते हो, तो मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करूँगी और आप लोगों से ढेर सारे बातें कर पाऊँगी। तो बस यही है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में छोटा सा बेल आइकन है उसको तो जरूर प्रेस कर देना, ठीक है? नहीं तो फिर मेरे वीडियोस के कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। कभी कभी मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। एनीवेज चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।